हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई भर्ती के लिए आवेदन। NRHM ने कई पदों पर नौकरियों के लिए भर्तियां निकाल दी हैं। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट पद शामिल किए गए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके सभी बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में नौकरियां निकल गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा चुके हैं। ये नौकरियां उत्तर प्रदेश के लिए होनी है। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनके नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब बात आती है पदों की संख्या, तो NRHM में कुल 817 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। आइए आपको डिटेल में पदों का विवरण दे देते हैं। तो विभाग ने स्टाफ नर्स के लिए 772 पद, लैब टेक्नीशियन के लिए 26 पद और माइक्रोबायोलॉजिस्ट पद के लिए 19 भर्तियां निकाली हैं। अब आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए नर्सिंग में 3 साल का डिप्लोमा या BSc नर्सिंग होनी चाहिए। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई आवश्यक है। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। अब आ जाते हैं सैलरी पर। स्टाफ नर्स के पद पर सभी चयनित होने वाले उम्मीदवारों की सैलरी 18,150 रुपये होगी। वहीं लैब टेक्नीशियन की सैलरी 11,000 से लेकर 15,000 रुपये के मध्य होगी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 55,000 रुपये पे स्केल होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 2 जून 2018। तो अगर आप भी योग्य और इच्छुक हैं तो 2 जून तक या फिर उससे पहले पहले अप्लाई कर दें। अब आ जाते हैं आखिर में कि कैसे करना है आपको अप्लाई। तो इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन ही मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही भर्ती से संबंधित और भी जानकारियां जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।